जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यानी एक तरह से कह दे कि सेल्फिश सी हो गई है, और अफगानी पीपल जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गए, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल आप लोग जो कुछ करें बस। वैसे बैसाखी और रक्षाबंधन ये मनाने के लिए तो हम पंजा साहब जाते रहते हैं, गुरुद्वारा पंजा साहब, उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावा जो जन्मदिन बाबा गुरु नानक देव जी का जो मनाते हैं उसके लिए भी हम ननकाना साहब जाते रहते हैं उसके। इसके अलावा जो दिवाली और होली जो है ना, ये इसके लिए मसला है, ये नहीं मना सकते। स्कूल पढ़ने के लिए जो जाते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं खुद भी जाती हूँ, मेरे साथ कजन्स हैं सब, यानी हम एक ही कॉलेज में जाते हैं। जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो गलियों में खेलते हैं, लड़के उनको तंग करके उनका केस भी करते हैं, तो ये करते हैं। अब आप चाहते हो कि इंडिया में आकर इंडिया भारत सरकार से ये मांग करोगी कि आपको यहाँ का वीजा दिया जाए, हाँ जी, परमानेंट रहने, हाँ जी, यही परमानेंट रहने के लिए, वीजे में आसानी की जाए। कहाँ से आए आप? हम पेशावर जिला स्वाबी से आए हैं। अब आप क्या चाहते हो? यही है कि पाकिस्तान में अपने हालात ठीक नहीं है, मतलब जो मुसलमान है वो खुद भी तंग है, जो यहाँ आ रहे हैं वो कहते हैं कि बस हम वापस नहीं जाएंगे। जो हिंदू यहाँ पे कराची, सबसे ज्यादा तो कराची के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि लड़कियाँ बिल्कुल नहीं महफूज वहाँ पे, उनके साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जाता है लड़कियों के साथ। अब आप इंडिया में वापस आ गए हो, अब आप चाहते हो कि भारत सरकार की तरफ से आपको परमानेंट वीजा, हाँ जी, रहने का दिया जाए। हाँ, दोनों तरफ से आज़ादी होनी चाहिए ताकि बिल्कुल आसानी से वीजा लग जाए।